यस बी क्लास 10 यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी करने से पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसका कुछ बेसिक्स आइडिया, जिसमें हम पहला यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मीनिंग है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम चार्ज को रेस्ट कंडीशन पे पढ़ते हैं, चार्ज एट ए रेस्ट कंडीशन। तो राइट कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट ए रेस्ट। किस पे स्टडी करता है? चार्ज एट ए रेस्ट। जो ये इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज किया वर्ड यहाँ पे, ये चार्ज इन मोशन के बारे में बताती है आपको। तो पहले हम पढ़ेंगे चार्ज रेस्ट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन क्या होता है। देखिए दोबारा देखिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम चार्ज एट ए रेस्ट के बारे में बताया जाता है हमको। तो सबसे पहले बात उठता है कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए चार्ज एक प्रॉपर्टीज है किसी मैटर का, जो ये डिसाइड करता है कि उसके पास अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बिहेवियर होगा। तो लिख लीजिए एक बार इसको, चार्ज इज ए एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कैन डिसाइड द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिहेवियर, विच कैन डिसाइड ए अट्रैक्टिव और ए रिपल्सिव बिहेवियर ऑफ द बॉडी। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास सिर्फ दो तरह के चार्ज प्रेजेंट हैं, पहला है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो तरह के चार्ज ही हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, सेकंड क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज का, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लाइट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं। तो पहला पॉइंट डालिएगा कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, आर रिपेल टू ईच अदर। मतलब अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, दूसरे को दूर भगाएंगे एक दूसरे को। दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये भी क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, दे रिपेल टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टीज लिखिए, सेकेंड प्रॉपर्टीज है अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। दो पॉइंट चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट है चार्ज का यूनिट क्या होता है, इसी में डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम, इसको सी से लिखते हैं, कैपिटल सी, यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। कोलम इज अ साइंटिस्ट नेम विच गिव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। इसने फार्मूला दिया था कि फोर्स का फार्मूला क्या है इनके बीच का, अगर कोई अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है तो कुछ फोर्स से कर रहा होगा, वो फोर्स का फार्मूला दिया था कॉलम्स ने, जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। कॉलम्स इज द यूनिट ऑफ चार्ज। फोर्थ पॉइंट जो है वो बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, तो उसका मीनिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या ये पूछ लें व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, उससे कैसे निकालेंगे इसको, क्वांटाइज
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, लिख लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज गिव द डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज, गिव द डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे चार्ज निकालते कैसे हैं उसको लिखिएगा, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जो मैंने लिखवाया इसको दोबारा देखिए, मैंने ये लिखवाया आपको कि अगर आपको निकालना पड़ जाए टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को मैं क्यों ले लेता हूं, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस दिखाते हैं, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस फोर प्रोटॉन्स माइनस फोर इलेक्ट्रॉन्स। जो क्यू है ये क्या है आपका, इट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। एन जो है लिखवा इंटीग्रल मल्टीपल, वैल्यू है, नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ई जो है ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या होता है मैग्नीट्यूड की टर्म में क्या होता है, सेम होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू कितना होगा, इट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम्स, 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम्स। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। दिस इज द फार्मूला विच गिव द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। ओके, सिक्स प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर, चार्ज क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन कॉलम ऑफ चार्ज, एक कॉलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। आपको गिवन क्या है, टोटल चार्ज गिवन है, इट इज वन कॉलम्स। आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉलम्स। तो हमारे पास फार्मूला है क्यू का, इट इज एन ई। हम साइन जब यूज करते हैं तो हमको पता नहीं है चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का, गिवन है इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल मैंने साइन यूज नहीं किया, हमको सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, तो क्यू का वैल्यू कितना है 1/1.6 × 10⁻¹⁹। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन कॉलम्स ऑफ चार्ज। पढ़ते हैं, देखिए, व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर। देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या हों, फ्री चार्ज पार्टिकल्स हों, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। ओके, लिख लीजिए द सब्सटेंस विच हैव फ्री चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड कंडक्टर, इज कॉल्ड ए कंडक्टर। आगे लिखिए इसमें द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड ए कंडक्टर। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जितनी भी मेटल्स हैं एक को छोड़ के सभी क्या हैं, कंडक्टर हैं। वो एक कौन है, लेड, लेड को छोड़ के सारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। और इसके अंदर क्या है, सिल्वर जो है आपका Ag से लिखते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर क्या होता है इसमें, बेस्ट कंडक्टर। इसके बाद लिखिए इंसुलेटर, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सिंपल से इसका उल्टा मिलेगा, इंसुलेटर्स में लिखिए द सब्सटेंस विच डज नॉट हैव फ्री चार्ज पार्टिकल्स, विच डज नॉट हैव फ्री चार्ज पार्टिकल दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिस तरह से एग्जांपल्स क्या हैं, रबड़, प्लास्टिक, वुड, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है डिस्टिल्ड वाटर, बहुत से एग्जाम्पल हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर एक्सेप्ट वन, ग्रेफाइट को छोड़ के जो कि कंपाउंड है कार्बन्स का जो कि कंडक्टर है, बाकी सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, रबड़, प्लास्टिक्स, वुड, डिस्टिल्ड वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, लिख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, लिखी हुई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या इसको सिंपल फॉर्म में लिखिएगा, लिख लीजिए द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर इन ए गिवन टाइम, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक करंट। करंट को सिंबलिक फॉर्म आई से लिखा दिखते हैं हम लोग, जो कि फार्मूला बनता है कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया है, दिस इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को हम दिखाते हैं क्यू से और टाइम को दिखाते हैं टी से, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो सिंपल फॉर्म में इसका ये फार्मूला होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखा जाता है, इट इज साइंटिस्ट नेम। अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि वन एम्पियर को डिफाइन कीजिए तो कैसे करोगे, करंट होगा वन एम्पियर, कब होगा, जब वन कॉलम चार्ज फ्लो करेगा वन सेकंड के अंदर, वन कॉलम चार्ज फ्लो करेगा वन सेकंड के अंदर जो करंट फ्लो करेगा इट इज कॉल्ड वन एम्पियर। तो लिख लीजिए इसको, वन एम्पियर इज दैट करंट विच फ्लो, दैट करंट विच या इन विच वन कॉलम चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड इन ए कंडक्टर, वन कॉलम चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड इन ए कंडक्टर, इट इज कॉल्ड ए वन एम्पियर। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का, इसमें लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मान लेते हैं मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसको मैंने जोड़ा हुआ बैटरी के साथ विद वायर्स, ये बैटरी का नोटेशन है, ये बड़ा इसको पॉजिटिव लिखते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव लिखते हैं। इट इज कंडक्टर ए बी, कोई कंडक्टर ए बी है, जो हम बात करते हैं इट इज ए कंडक्टर, इट मीन इट हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स, मतलब इसके पास पॉजिटिव भी हैं फ्री, इसके पास नेगेटिव भी हैं फ्री। अब देखिए जो पॉजिटिव पोटेंशियल वाला है, ये पॉजिटिव जो है ये इन पॉजिटिव को रिपेल करेगा किसकी तरफ है, नेगेटिव की तरफ। मीनिंग क्या है कि जो पॉजिटिव्स हैं वो इस तरफ चलेंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव्स को इस रिपेल करेगा इस बैटरी के पॉजिटिव की वाले की तरफ, तो जो नेगेटिव्स हैं वो चलेंगे इस तरफ। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन आ रही हैं, एक पॉजिटिव वाली है एक नेगेटिव वाली है। तो बाय कन्वेंशंस वी टेक द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख लीजिए, देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और करंट की डायरेक्शंस के क्या होंगे, उल्टे चलेंगे। यानी बोल सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन के टर्म में, जो करंट फ्लो करता है वो बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। लिख लीजिएगा करंट फ्लो,
करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब देखो जो करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट इज ए स्केलर। स्केलर क्यों है, जबकि पास के पास वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है। तो डायरेक्शंस दो गिवन है अभी, इसलिए कोई एक को मैंने कंसीडर करना पड़ा। दूसरी बात क्या है, वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शंस नहीं है चाहिए, हमें क्या चाहिए कि वो वेक्टर के लॉज को भी ओबे करे। अगर मेरे को करंट को ऐड करना हो तो वो ट्रायंगल्स ला या पैरेललोग्राम ला या पॉलीगन्स ला, वेक्टर एडिशन से क्या हो, ऐड हो। लेकिन क्या होता है, करंट वेक्टर के एडिशंस लॉज को ओबे नहीं करता, इसलिए वेक्टर नहीं है। लिख लीजिएगा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशंस, वेक्टर के एडिशंस लॉज को ओबे नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर नहीं है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे लिखिए इसी में, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर एक डिवाइस होता है, आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो स्टेबलाइजर होता है उसमें डिवाइस लगे होते हैं। ये नीडल्स जो होती है यहाँ पे जीरो पे होती है, यहाँ पे स्केल बना होता है और इस पर एक सिंबलिक फॉर्म ए लिखा होता है, ए फॉर एमीटर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मापता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको सिंबलिक फॉर्म वी से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में एक वर्क डन है जो बैटरी करती है या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है चार्ज को चलाने के लिए इन द कंडक्टर्स, चार्ज को चलाने के लिए किसमें, कंडक्टर्स के अंदर भी। तो ले लीजिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये होता है प्लस वन कोलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहाँ पे आपको निकालना है। क्या लिखवाया मैंने, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आना है कहाँ तक, जहाँ पे आपको निकालना उस पॉइंट तक, तो उस दौरान कितना वर्क डन किया गया उस चार्ज को कैरी करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको वी से लिखते हैं, तो सिंपल लिखवाया मैंने आपको, इट इज़ अ वर्क डन किसको लेके आने के लिए, चार्ज को लेके आने के लिए। तो V इज इक्वल टू लिख सकते हैं W बाई क्यू, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, हम लोग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, SI यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एज वोल्ट, क्या होती है वोल्ट, इसको वी से लिखते हैं, जो घरों में आती है उसको वोल्ट बोलते हैं। अगर आपको डिफाइन करना हो वन वोल्ट को, तो वन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन कितना किया जाए, वन जूल, किसको कैरी करने के लिए, वन कॉलम चार्ज को कैरी करने के लिए, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो। तो लिख लीजिए, वन वोल्ट को डिफाइन कीजिए, वन वोल्ट को डिफाइन कीजिए, वन वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस या दैट पोटेंशियल इन विच वी डू वन जूल वर्क टू कैरी ए वन कॉलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड वन वोल्ट। इसी में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी वी से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो लिख लीजिए सिंपल डेफिनेशन में, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और लिखिए एक डेफिनेशन इसमें, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन किया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है, क्योंकि डिफरेंस है पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितनी होती है? वोल्ट ही होती है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय किसके द्वारा करते हैं? वोल्ट मीटर। आपने देखा होगा, वही बात एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, स्टेबलाइजर घरों में देखा होगा, फ्रिज पर रखा हुआ, उसका सिंबलिक फॉर्म वी होता है। यहाँ पे नीडल्स होता है, जीरो पे मेंशन किया जाता है, यहाँ पे स्केल बना होता है। ये जो डिवाइस है इट इज़ कॉल्ड ए वोल्ट मीटर, जो कि हम मापता है हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको कितना आता है, कितना आता है हमारे घरों में पोटेंशियल डिफरेंस जो हम यूज़ करते हैं, वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ये डोमेस्टिक हमारे घरों में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, ये कितना है? इट इज 220 वोल्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हमारे पास बहुत से हैं और उनके सिंबल्स क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे उसमें हम उसका बेसिक डायग्राम ना बना के उसका सर्किट डायग्राम बनाया जाएगा उसके सिंबल्स यूज़ करते हुए। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं जिसके सिंबल्स हम बनाते हैं। तो पहला सिंबल सिंपल है, अगर मेरे पास वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग वायर, तो वायर को दिखाते हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन से, किसे दिखाते हैं इसको? स्ट्रेट ए लाइन। अगर ये क्रॉस वायर में क्या होता है कि दो क्रॉस वायर का सिंबल क्या होगा, एक वायर ये जाएगी, एक वायर इसके क्रॉस कर रही है विदाउट एनी टचिंग। तो इसको ऐसे सिंबल एक नोटेशन से दिखाते हैं। अगर वायर को जोड़ा जाए, कनेक्टेड वायर, उसका सिंबल्स ये होता है, एक वायर ऐसे यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं, तो यहाँ पे डॉट दिखाया जाता है आपको, इट इज कनेक्टेड वायर। फोर्थ जो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक सेल कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का नोटेशन ये है कि हमारे पास एक बड़ा डंडा होता है, एक छोटे वाला, जो बड़ा है ये दिखाता है पॉजिटिव को, छोटे वाला दिखाता है नेगेटिव्स को। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिक बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बहुत से सेल जुड़े होते हैं, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशंस में, आगे बताएंगे आपको क्या होता है। कैसे? देखिए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब हम मोर देन वन सेल यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक बैटरी। ठीक है, सिक्स सिंबल जो है वो दिखाते हैं रेजिस्टेंस, ये आगे टॉपिक आएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल है आपका ये वाला, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। सेवन्थ पॉइंट इसी में दिखाते हैं, अगर मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, मतलब जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए किसी को हम इसको क्रॉस एरो से दिखाते हैं। अगर आपको बैटरी को वेरिएबल करना है तो क्रॉस एरो से दिखा दीजिए, इट इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस। एट्थ है रियोस्टेट भी क्या होता है, रियोस्टेट इज ऑल्सो ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका लिखने का तरीका ये है, एक रेजिस्टेंस बनाइएगा और उसके ऊपर
एरो साइन ऐसे दिखाइएगा, इट इज सिंपल फॉर रियोस्टेट, इसको आर एच से लिखा जाता है, आर एच, ठीक है। नाइन्थ सिंपल जो है ये है वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को सिंबल को दिखाते हैं इस तरीके से, यहां पे पॉजिटिव बनाते हैं, यहां पे नेगेटिव, वी फॉर वोल्ट मीटर। टेंथ है एमीटर, एमीटर को दिखाते हैं इस नोटेशन से, एमीटर क्या करता है, ये करंट की वैल्यू को मापता है। इलेवेंथ है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये मापता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, इट इज मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका नोटेशन ये होता है आपका। उसके बाद हम दिखाते हैं की, की को बोल सकते हैं स्विच की, एक होता है ओपन की, ओपन की इसको बोलेंगे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, कि हमारा स्विच क्या है ऑफ किया गया है, इसका नोटेशन ये होता है अभी, इट इज ओपन की। थर्टींथ पॉइंट होगा क्लोज की, क्लोज्ड की, क्लोज की मतलब क्या है, स्विच ऑन, स्विच ऑन, इसका सिंबल्स जो है ये सिंबल बनता है इसका, बीच में जो डॉट लगा होता है, इट रिप्रेजेंट द की इज स्विच ऑन, की क्या हमारी स्विच ऑन है, ओके।